हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ऋतु नंदा को आप जानते ही होंगे, राज कपूर की बेटी और अमिताभ बच्चन की समधन है, जो श्वेता नंदा है उनकी सास है। और वो फिलहाल हमारे बीच नहीं है। पिछले साल उनका जनवरी के महीने में निधन हो गया था और ये एक ऐसी घड़ी थी जिसने पूरे कपूर खानदान को तोड़कर रख दिया था। और देखिए, इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा कि पिछले साल ही जनवरी के महीने में ऋतु नंदा का निधन हुआ था और अप्रैल के महीने में ऋषि कपूर सबको छोड़कर चले गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दिल को छू लेने वाली घटना इसलिए भी है क्योंकि एक ही परिवार के दो दिग्गज कलाकार कह लीजिए, दो दिग्गज हस्तियां कह लीजिए, क्योंकि उनके जाने से न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि पूरे देश को क्षति पहुंची थी। इन सबके बीच आपको बता दें, 2013 में जो राज कपूर की बेटी हैं ऋतु नंदा, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। कई साल तक उनका इलाज चला, उन्होंने एक योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गई और जनवरी 2020 में उनका निधन हो गया था। बता दें, जिस वक्त उनका निधन हुआ उनकी उम्र 71 साल थी और वो तारीख थी 14 जनवरी जब उनका निधन हुआ था। कपूर खानदान परिवार की बड़ी बेटी की पहली पुण्यतिथि पर पूरे परिवार ने उन्हें याद किया था और साथ ही साथ सबने अलग अलग तस्वीरें साझा कर उनके साथ जो बिताए हुए पल थे उनको याद किया था। जैसे कि जो ऋषि कपूर और करण जौहर के साथ एक तस्वीर साझा की थी नीतू कपूर ने और लिखा था कि मैं आपको बहुत ज्यादा याद करती हूँ। फिर करिश्मा कपूर ने भी अपनी बड़ी बुआ ऋतु नंदा की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया था और उन्होंने बहुत पुरानी एक तस्वीर साझा की थी जो दिल्ली में बुआ का बर्थडे मनाने के दौरान ली गई थी। फिर इसके अलावा, चूंकि दिल्ली में उनका निधन हुआ था और दिल्ली से ही उनकी कई यादें जुड़ी रही हैं, तो ये जो पूरा कपूर खानदान था उन्होंने दिल्ली स्थित जो उनकी तस्वीरें थी उनको साझा किया था। मतलब समझ लीजिए, जितना भी जी सकते थे वो उस मोमेंट को, उन पलों को जो उन्होंने ऋतु नंदा के साथ बिताए थे उनको याद किया गया था। बता दें आपको, ऋतु नंदा शोमैन राज कपूर की दूसरी संतान थी और वो बहुत ज्यादा लाडली थी। 5 बच्चे थे लेकिन 5ों में वो सबसे ज्यादा लाडली थी। 30 अक्टूबर 1948 को उनका जन्म हुआ था और रणधीर कपूर उनसे सिर्फ 1 साल बड़े हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋतु कितनी खूबसूरत थी। परिवार में चूंकि ये परंपरा थी कि कपूर खानदान की बेटियां बहुएं फिल्मों में काम नहीं करेंगी, सिर्फ इसी परंपरा को निभाते हुए ऋतु नंदा फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई थी। नहीं तो वो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी फिल्म मेकर उनको देखता था वो उन पर ये कहकर फिदा हो जाता था कि इनको तो फिल्मों में आना ही चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजीव गांधी से ऋतु नंदा की शादी होने वाली थी। जैसे ही ये बात राजीव गांधी तक पहुंचती कि तभी राजीव गांधी ने अपने दिल की बात अपनी माँ को बता दी थी और इस वजह से रिश्ता टूट गया था, वरना इंदिरा गांधी चाहती थी कि राजीव गांधी से ही शादी हो ऋतु नंदा की, क्योंकि बहुत अच्छे टर्म्स थे कपूर खानदान के और गांधी परिवार के। तो ये उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से थे और ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग 1 साल हो गया है उनको गुजरे हुए, तो उनको याद करना तो बनता ही है। बहरहाल, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं और किस तरीके से उनको याद कर रहे हैं? अगर आप भी कपूर खानदान के फैन रहे हैं, अगर आप भी उस दौर के हैं, तो आप हमारी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर ऋतु नंदा चाहती तो फिल्म इंडस्ट्री में आकर एक बहुत बड़ा सितारा बन सकती थी। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।